दोस्तों, धन की कामना हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, अंबानी क्यों ना हो, बिल गेट्स क्यों ना हो, मार्क जुकरबर्ग, कोई भी व्यक्ति हो, धन की कामना हर एक को होती है। धन आए भी और टिके भी। ऐसा कोई व्यक्ति बिरला ही आपने सुना होगा जो कहता है मुझे धन नहीं चाहिए। आपको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी करने के लिए भी धन चाहिए, एक आपको लग्जरी लाइफ जीने के लिए भी धन चाहिए। आपके पास जितना धन होता है उसी हिसाब से आपकी लाइफ, सामाजिक लाइफ, आपकी स्टेटस बढ़ने लगता है। माता लक्ष्मी चंचला है, जो आने से पहले अपने जाने का रास्ता देख लेती है। यानी जैसे ही आपको पता चलता है कहीं से आपको 50 रुपए मिलने वाले हैं, आप 50 से पहले आप 75 रुपए का पहले से सोच लेते हैं, अच्छा ये ले आएंगे, इसकी जगह ये ले आएंगे। आप कर्ज भी ले लेते हैं कि इसको यहां से ले लेंगे और इस तरह से पैसा आएगा, हम कर्ज चुका देंगे। बाद में बहुत सारे ऐसे आपकी कुंडली में योग बन जाते हैं जिसकी वजह से आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं और कर्ज आप उतार ही नहीं पाते। तो जब तक मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, धन आपके पास आ ही नहीं सकता, आएगा भी तो टिकेगा नहीं। तो माता मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहे, धन आपके पास आए टिके, इसके लिए आपको एक जादुई अक्षर देने जा रही हूं। इसको कैसे प्रयोग करना है कि माता मां लक्ष्मी खिंचकर आपके पास आती रहे और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सभी धन से आपके कभी अभाव ना हो। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी यशोदोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी दोस्तों, मैं डेली आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ग्रहों पर आधारित आपको डेली ऐसी होम रेमेडीज देती हूँ जिन्हें आप आसानी से करके अपनी समस्याओं से मैच करके अपने जीवन में ग्रहों से संबंधित समस्याओं को निराकरण कर सकें। चाहे आपको अपना लग्न पता हो, ना पता हो, आपको कुंडली भी ना पता हो, तब भी आप अपनी समस्याओं से मैच करके अपने ग्रहों को संतुलित कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको वास्तु से संबंधित भी आपको उपाय बताती रहती हूँ। मैं वास्तु शास्त्र का भी आपको उपाय बताती हूँ, वास्तु भी कराती हूँ, न्यूमरोलॉजी का नंबर का भी आपको रेमेडीज देती हूँ, साथ में आपके नेम की रेमेडीज भी देती हूँ। बहुत बार हमारा नाम भी हमारे लग्न और चंद्र राशि से मैच नहीं कर रहा होता है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का एक कारण बन जाता है। इसके साथ ही आपको विवाह से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे अचूक उपाय देती रहती हूँ, आपकी कुंडली के माध्यम से देती रहती हूँ कि आपका 3 महीने के अंदर विवाह हो ही जाता है दोस्तों। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट करिए, मेरे डेली के वीडियोस देखिए, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जरूर कीजिए। दोस्तों, माता मां लक्ष्मी को रिझाना इतना भी कठिन नहीं है, बस हम प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इस प्रयोग में आपको क्या करना है, इस प्रयोग को कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा, जिसे धन की कामना है, जिसे धन चाहिए और चाहता है कि उसके पास ये धन आए भी विभिन्न रास्तों से और उसके पास टिके भी, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैं आज एक मंत्र दे रही हूं, शिम शिम SHRIM शिम, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख कर दूंगी। दोस्तों, इस शब्द को आप किसी भी शुक्रवार को, किसी भी सोमवार को एक जल का लोटा भर के रखिए अपने घर के मंदिर में, साथ में दीपक जलाइए, कलावे की बाती डालकर देसी घी का दीपक जलाइए, थोड़ी सी उसमें केसर डाल दीजिए, केसर नहीं है तो हल्दी डाल दीजिए। दीपक जला लिया, आपने मंदिर में बैठ जाइए, कुछ मिश्री या कुछ बताशे या कुछ चीनी या खीर का भोग रख लीजिए, माता मां लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित कर दीजिए, गुलाब के फूल हैं या सुगंधित फूल अर्पित कर दीजिए, ये भी नहीं है, गुलाब का इत्र अर्पित कर दीजिए, गुलाब जल अर्पित कर दीजिए। अब आपको यहाँ बैठकर पहले दीप जला लिया, अपने गणपति गजानन भगवान का ध्यान कर लीजिए, अब अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, उसके बाद क्षेत्र के अधिपति देवता को ध्यान कर लीजिए कि आपकी अनुमति के बिना मेरी पूजा संभव नहीं है, मुझे अपना अनुमति प्रदान कीजिए। उसके बाद 3 बार आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, उसके बाद हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, पत्नियां कर रही हैं या और बच्चे कर रहे हैं तो पिता अपना भी नाम, अपने पति का गोत्र भी आपको लेना है, निवास स्थान बोलना है। अब आपको प्रार्थना करती है, हे माता मां लक्ष्मी, मैं इस मंत्र का आज अपा जाप करने जा रही हूँ, इस मंत्र का जो भी फल है वो मुझे आजीवन मिलता रहे, आज अपा जाप करूंगी और इस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दीजिए, हे माता मां लक्ष्मी बरदस्त मुझ पर बनाए रखिए। इसमें आपको ओम नहीं लगाना है दोस्तों, ओम लगाते हैं तो उसके लिए हमें आसन पर बैठना होता है और जप संख्या को गिनती में करना होता है। जब हम इसमें ओम नहीं लगाते हैं तो इसे हम चलते फिरते, उठते बैठते, शुद्ध अवस्था में कभी भी कहीं भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तब, खाना पका रही हैं महिलाएं तब, या और अन्य कोई कार्य कर रही हैं, कपड़े सुखा रही हैं उस समय, कपड़े धो रही हैं उस समय, सिर्फ इसे बाथरूम में आपको यूज नहीं करना है कि बाथरूम में आप जा रहे हैं तब इस शब्द को यूज नहीं करना है, ट्रेवल कर रहे हैं उस समय आप इस मंत्र का निरंतर आप रटन करते रहते हैं, जपते रहते हैं। जब आप इस मंत्र को अपने अंदर उतार लेते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये मंत्र अपने आप आपके अंदर चलने लगता है। आप कोई भी काम कर रहे होंगे, आपके दिमाग में यही मंत्र चलना शुरू हो जाएगा, श्रेम 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 श्रेम। ये इतना पावरफुल मंत्र है,
इस मंत्र की ऊर्जा जैसे जैसे आपके अंदर उतरना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे मंत्र का जाप बढ़ना शुरू हो जाता है, विभिन्न रास्तों से माता मां लक्ष्मी आपका घर खोजने लगती हैं, आने के रास्ते खोजने लगती हैं, आपके ही प्रयासों के द्वारा आती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से टपक जाएगा धन, वो आपके ही प्रयासों के द्वारा, आपके बच्चे प्रयास कर रहे हैं वहां से धन आ रहा है, आप प्रयास कर रही हैं वहां से आ रहा है, आपके पति प्रयास कर रहे हैं वहां से आ रहा है, कहीं से आपको प्रॉपर्टी मिलने की उम्मीद है वो आपको तुरंत मिल जाती है। कहने का तात्पर्य आपके पास भूमि भवन वाहन सारे सुख धीरे धीरे आपकी लाइफ में लग्जरी आने लगती है, और इतना धन आपके पास आने लगता है विभिन्न रास्तों से कि आपकी सात पुश्तें भी आपके लिए वो धन का उपयोग कर सके। तो दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है माता मां लक्ष्मी का मंत्र। माता मां लक्ष्मी का मंत्र आप जाप करते रहिए, और जब आपके पास ये धन आने लगे तो इस धन में से कुछ धन आप दान भी करते रहिए, जिससे कि वो माता मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। क्योंकि कहीं थोड़ा थोड़ा आप दान करती रहेंगे, गरीब व्यक्तियों में ऐसा कोई बच्चा है जैसे शिक्षा की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, फीस भर दीजिए, किसी कन्या की शादी करानी है वहां पर दे दीजिए, किसी के यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है तो कुछ आटा दान कर दीजिए, किसी को दवाइयों की आवश्यकता है तो कुछ दवाइयां दान कर दीजिए, कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा दान करते रहिए, तो स्थिर रूप से माता मां लक्ष्मी आपके घर में निवास कर ही जाएंगी दोस्तों। ये इतना चमत्कारिक उपाय है तो करके देखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी कीजिए, ये आपके घर में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं, आपके दिन को बेहतर बनाते हैं, लकी बनाते हैं, अटके बिगड़े काम आपके बनने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहती है मेरे माध्यम से तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का, या आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन लेती हूँ मैं हर संडे को, तो आप चाहते हैं वहां से आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो, मेरे द्वारा आपकी कुछ मदद हो सके, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक ही क्वेश्चन लिखेगा जिससे कि आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाए। बहुत सारा लिखेंगे आपका क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं होगा, तो संडे वाले वीडियो में वहां आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अपने जीवन में आपको कुछ अच्छा चाहिए तो छोटे छोटे से होम रेमेडीज मंत्रों के ग्रहों के आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको स्वादिष्ट भोजन चाहिए तो उसके लिए आप बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीजें प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारी चीजों को, इसी तरह से अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि लाने के लिए छोटे छोटे से आपको उपाय करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ।